दोस्तों, आप सबने समुद्री जीव शार्क के बारे में तो सुना ही होगा। कई सारी फिल्मों में दिखाया भी गया है कि शार्क कितनी खतरनाक और खूंखार होती है। समुद्री जीवों के अलावा ये इंसानों को भी खा जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इतनी खतरनाक दिखने वाली समुद्री मछली, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अन्य समुद्री जीव इसके सामने टिक भी नहीं सकती, वह शार्क एक मासूम और सुंदर सी दिखने वाली डॉल्फिन से डरती है। जी हाँ, डॉल्फिन, जो कि दिखने में मासूम सी लगती है, वह इतनी चालाक और फुर्तीली होती है कि शार्क को भी हरा दे। ऐसा कैसे संभव है, आइए जानते हैं इस बारे में। डॉल्फिन की हड्डियों का ढांचा और मसल्स बहुत ही लचकदार होती है, जिसके कारण डॉल्फिन शार्क के मुकाबले बहुत तेज रफ्तार से समुद्र में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ जा सकती है। शार्क की पूंछ वर्टिकल शेप में होती है, जबकि डॉल्फिन की पूंछ हॉरिजॉन्टल शेप में होती है। अपनी वर्टिकल शेप वाली पूंछ के कारण दाएं बाएं आसानी से मुड़ सकती है, लेकिन पानी में ऊपर नीचे नहीं जा सकती, यह इतनी सहायक नहीं होती। जबकि इसके विपरीत डॉल्फिन की हॉरिजॉन्टल पूंछ उसे पानी में बहुत तेजी से ऊपर की तरफ तथा ऊपर से नीचे की तरफ गोता लगाने में मददगार होती है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जब डॉल्फिन और शार्क की लड़ाई होती है, तो डॉल्फिन तेजी से शार्क के नीचे चली जाती है, और जब तक शार्क नीचे जाने की कोशिश कर रही होती है, उससे पहले ही बड़ी तेजी से डॉल्फिन शार्क के पेट पर हमला कर देती है। डॉल्फिन की मुंह की बनावट की बात करें तो उसका मुंह सुराही की तरह पतला, लंबा और मजबूत हड्डियों से मिलकर बना होता है, तथा डॉल्फिन की रफ्तार की बात करें तो वह समुद्र की सतह से लगभग 15 से 20 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इतनी मजबूत और ऐसी बनावट वाली मुंह से इतनी तेज रफ्तार से अगर वार किया जाए तो शार्क का क्या होगा। इसके अलावा डॉल्फिन झुंड में रहना पसंद करती है और शार्क अकेले रहती है, तो अगर शार्क किसी डॉल्फिन पर हमला करे तो उसकी साथी डॉल्फिन्स शार्क पर हमला कर देती है, और इतनी सारी डॉल्फिन्स को हमला करते देख शार्क दुम दबाकर भाग जाती है, या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा समुद्र में केलर वेल मछली भी डॉल्फिन के आसपास ही रहना पसंद करती है, जिसकी खूबियां और शारीरिक बनावट डॉल्फिन की ही तरह होती है, और यह आकार में नॉर्मल शार्क से काफी बड़ी होती है। जब डॉल्फिन और शार्क की भिड़ंत होती है, तब किलर वेल भी डॉल्फिन की मदद के लिए आ जाती है, जिससे कि शार्क को भागना पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि डॉल्फिन सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए ही शार्क पर हमला करती है, दरअसल शार्क डॉल्फिन के बच्चों को खा जाती है, इसीलिए डॉल्फिन शार्क को अपना प्राकृतिक दुश्मन समझती है, और जब कभी भी शार्क दिखे तो डॉल्फिन का झुंड शार्क पर हमला कर देती है। डॉल्फिन ठीक से देख नहीं पाती, कई डॉल्फिन तो अंधी होती है, लेकिन वे एक तरह की ध्वनि तरंग छोड़ती है जो कि रडार का काम करती है, जिससे कि वह सामने वाले जीव की शारीरिक बनावट और उससे अपनी दूरी की स्थिति का अंदाजा लगा पाती है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण, इसी तेजी, स्फूर्ति और चतुरता के कारण वह कई बार डॉल्फिन को इंसानों से बचाते हुए भी देखा गया है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।